फिफ्थ हाउस को या जो भी बच्चा देख रहे हैं उस भाव से संबंधित उस भाव को देखना है। मेनली ये ध्यान रखना है आपको स्पेस केस में कि सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड ये वक्री नहीं होने चाहिए। ये जो कि हो गया, ये अगर वक्री हो गए ठीक है और नेगेटिव नंबर भी प्रेजेंट करते हैं तो हम समझ लेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहने वाली है। एक क्वेश्चन खत्म। अब जो 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 आगे बढ़ेंगे कि इनमें से कोई एक वक्री है अगर वहां भी कोई पॉजिटिव नंबर अगर आ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब हम और आगे बढ़ेंगे, अब हम बांझ राशि पे आ जाएंगे। बांझ राशि के अंदर ये देख लेंगे कि सबलॉर्ड और सबलॉर्ड सब दोनों बांझ राशि में ना बैठे हों और नेगेटिव को इंडिकेट ना कर रहे हों। अगर ये केस हो गया तो उस केस में हम कह देंगे बच्चा गोद ले लो जी। ठीक है, अगर एक कोई सा भी पावर किसकी ज्यादा होती है हमेशा नक्षत्र की। ठीक है, अगर ये बांझ राशि में बैठा है यस, ये बांझ राशि में बैठा है यस और नेगेटिव नंबर को इंडिकेट कर रहा है पूरा कोड मिलके, तो भी हम कह देंगे भैया प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बिना देर को IVF बच्चा नहीं हो सकता। समझ गए, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तीसरी तरह के रूल और आते हैं। कुछ रूल ऐसे होते हैं कि तुम्हें यहां याद ही करना पड़ेंगे ये रूल कि यार इसको एक बच्चा होगा, बड़ी मुश्किल से एक ही होगा, होके मर जाएगा, होगा ट्रीटमेंट से ही हो रहा है और फिर ये पता नहीं कितने जिए ना जिए, ऐसे भी रूल्स हैं। अब वो लिखिए पहले, ये कैटेगरी वाइज बांट के लिखने रूल, वो पहले जनरल रूल थे, फिर मैंने बांझ राशि के रूल बताए, अब लिखो ये नए अलग कैटेगरी के बना स्पेशल कर लो, ये भी हमारे मतलब आपको ये रूल्स है अकॉर्डिंग टू प्लेनेट्स वाइज लिख सकते हो, प्लेनेट रूल्स चाइल्ड केस, ये है प्लेनेट के रूल्स। क्या कहता है पहला रूल, जिस भी रिलेवेंट हाउस की बात चल रही है वो उठा लेंगे। मान लीजिए हम फर्स्ट बच्चे की बात कर रहे हैं इसलिए फिफ्थ उठा लिया है। ठीक है, फर्स्ट लिखिए। अब देखो क्या कहता है, यदि पांचवा कस्प फिफ्थ सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों मंगल हैं, दोनों क्या है मंगल है, बहुत सार मंगल है, दोनों ही मंगल है, सब लॉर्ड भी मंगल है, सब लॉर्ड इन स्टार भी मंगल है, तो ऐसे केस में रिजल्ट क्या आएगा हमेशा जीवन में, लिख दें नो बेबी, नो चाइल्ड नहीं होगा, नो बेबी, और बच्चा अगर होगा तो मर जाएगा, नो बेबी इफ बर्थ चाइल्ड का बर्थ अगर होता है तो वो कैसा होगा, मरा हुआ होगा, किसी का सर नहीं होगा, उसका कोई ना कोई चीज दिक्कत होगी। ठीक है, ये रूल समझ में आया, पहला सीधा सीधा सा सब लॉर्ड पर डिपेंड, मंगल पर डिपेंड है ये रूल। सर ऐसे में ग्राहक कस्टमर को बोले क्या, सीधा बोलेंगे कि भाई जो अगर वो जो है बच्चा अगर हो भी गया है तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं रह सकता। ठीक, रूल नंबर दो, थोड़ा सा अटपटा है, समझ नहीं लीजिए पहले, फिफ्थ सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, फिफ्थ सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, देखो ध्यान से, सब लॉर्ड है केतु, क्या है ये केतु, और एनी प्लेनेट भी हो सकता है, एनी प्लेनेट मतलब कुछ भी हो सकता है, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड क्या हो सकता है, तो केतु हो सकता है और एनी प्लेनेट कुछ भी हो सकता है, बट सब लॉर्ड इन स्टार ये केतु है, ये फिक्स ही होगा, कोई भी मैंने मंगल पंगल गया मेरे ऊपर मंगल की बात खत्म हो गई, अब मैं कह रहा हूं यहां या तो ये केतु होगा, ठीक है, या मंगल हो, शनि हो, शुक्र हो, तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे फिक्स है, नीचे क्या है केतु, यदि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड इन स्टार केतु होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, ओनली वन बेबी, अब देखना ध्यान से, ओनली वन बेबी, एक ही चाइल्ड होगा। अब इसके केस में देखो मैडम, जब मैंने यहां लिखवा दिया एनी प्लेनेट तो यहां क्या हो सकता है, बहुत सारे केतु भी तो हो सकते हैं, अंडरस्टूड, एक ही एक जगह केतु भी हो सकता है, तो कोई बहुत सारे लोग पूछेंगे यहां भी केतु हो जाए, यहां भी हो जाए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है,
केतु दोनों जगह भी हो सकता है, केतु यहां तो फिक्स है, ये फिक्स पोजीशन है, और यहां कोई और चाइल्ड, यहां कोई और प्लैनेट भी हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वन बेबी। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड एनी प्लैनेट, कोई भी ग्रह हो सकता है, और सबलॉर्ड इन स्टार वो मंगल दैट फिक्स्ड, ये फिक्स है नीचे वाला, सबलॉर्ड इन स्टार क्या हो गया, मंगल ये फिक्स है, अब देखना थोड़ा सा, देखो मैं बात में ट्विस्ट करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना इस केस का रिजल्ट, बड़े ध्यान से सुनना है, तीस सबसे हार्ड केस है, सबलॉर्ड इन स्टार एनी प्लेनेट बोला है मैंने और नीचे मंगल बोला है, तो आप लिख दो उसका रिजल्ट, 90% तो बच्चा खराब होगा, 90%, हाँ जी, जी। अब देखना, अब मैं ये कह रहा हूं ऊपरले केस में यहां आ गया है केतु और नीचे मंगल, ये अब लिख दो 100% बच्चा खराब होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा और संतान की उत्पत्ति उस केस में नहीं होगी। अभी फिफ्थ रूल और लिखें, अब क्या हो गया सब लॉर्ड, यहां पर कोई भी एनी प्लेनेट आ जाए और नक्षत्र में भी एनी प्लेनेट आ जाए, अब देखो यहां एनी प्लेनेट है, यहां भी एनी प्लेनेट है, ठीक है, और सिग्निफाई क्या कर देगा ये नेगेटिव नंबरों को, साथ में 2, 5, 11 भी, 2, 5, 11 का मतलब एनी वन पॉजिटिव नंबर, 1, 4, 10 2, 5, 11 कुछ भी दे दे हैं, यहाँ पर कोई भी प्लेनेट हो सकता है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये देखना है कि सिग्निफाई किसको कर रहा है, यदि वो नेगेटिव भी नंबर दे रहा है या ना दे रहा है, पर हमारे पॉजिटिव नंबरों में से कुछ आ रहा है, ठीक है, 2, 5, 11 में से एनी वन भी आ रहा है, तो लिख दे रिजल्ट क्या होगा उसका, इस केस में बेबी होगा, संतान होगी, अवश्य होगी। जैसे आपने भी बताया कि कोई भी अगर बच्चा पहला गोद ले ले तो दूसरा बच्चा प्रेजेंट होगा, तो वो रूल क्या, पहले उसमें यह रूल है कि अगर फिफ्थ हाउस आपका फॉर एग्जांपल के लिए यही बन गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यही रूल बन गया हमारा फिफ्थ हाउस का, इस केस में क्या हो रहा है, बच्चा हो रहा है, ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमारा पांचवे में तो लिखा, पांचवे में तो हमारे फिफ्थ हाउस के सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इंसान वक्री हो जाएं और नेगेटिव हाउस को इंडिकेट कर दें, तो बच्चा नहीं, नो का रूल चला जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, पहला बच्चा आप ले लें और सेवंथ, अब आप देखें अपना सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस में तुम्हारे बेबी के रूल आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि सेकंड बच्चा आपका हो सकता है इजिली, अब पहले बच्चे का जुगाड़ कर लीजिए, बच्चा अगर हम अडॉप्ट ना करें और मिसकैरेज हो जाए बाय चांस, तो हाँ तो काउंट हो गया वो, तो आप तो ट्राई पहले के लिए कर रहे हैं ना, एक आपका खराब हो गया, इसका मतलब वो रूल ने रिजल्ट दे दिया, वो आगे बढ़ गए आप, अब आप आगे बढ़ गए, ये होगा, ठीक, तो ये जो रूल लिखवाए हैं मैंने, ये तो मैं प्लेनेट के अकॉर्डिंगली लिखवाए हैं अभी, ठीक है, अब कुछ आगे लिखो थोड़ा सा, यदि पंचमेश इसी के आगे का रूल है, हाँ आगे, हाँ इसी में और आगे लिखिए, पंचमेश यदि अपने नक्षत्र में हो तो एक बच्चा होता है, यदि भारतीय ज्योतिष का रूल है, पंचमेश कौन होता है मैडम, पांचवें भाव का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी अपने ही नक्षत्र में हो, पंचमेश यदि अपने ही नक्षत्र में, हाँ जी, तो बच्चा होता है, तो बच्चा एक बच्चा होता है, आगे लिखो, यदि पंचमेश राहु और केतु हो और राहु केतु के नक्षत्र में हो तो भी एक बच्चा अवश्य होता है, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि ये राहु केतु है, अच्छा ठीक है ना, और ये और इनका जो सब लॉर्ड इन स्टार है वो भी राहु और केतु ही हो तो भी एक बच्चा पैदा हो, अब इसी के नीचे नोट करके लिख लेना, इसी बात को ही लिखवा नोट, नोट करके क्या लिखना है मैडम, ये लिख दो बस, पंचमेश लिखवाया तो पंचमेश तो पांचवें भाव का स्वामी, पांचवें भाव का स्वामी, तो राशि पांचवें भाव का स्वामी का मतलब है यहाँ राहु केतु से मतलब राहु केतु केस में, राहु केतु पांचवें भाव में बैठे हों या पांचवें भाव के नक्षत्र बन जाएं
या स्टार लॉर्ड बन जाएं या सब लॉर्ड बन जाएं, ये सब मतलब है। मैं नीचे नोट में उस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूं, वो लिख लीजिए एक बार। राहु और केतु सब लॉर्ड या सब लॉर्ड इन स्टार कहीं पर भी हो, एक बच्चा अवश्य देंगे। वो सेंटेंस भी सही कर लो, पंचमेश वाला। पंचमेश तो हो ही सकते हैं। देखो इधर क्यों नहीं हो सकता, आप बता रहा हूं। पंचमेश राहु और केतु हो, सॉरी राहु केतु के नक्षत्र में हो, ये वर्ड बोला जाएगा। अब जैसे पंचमेश कौन होगा, मान लो सूर्य है, और सूर्य किसके नक्षत्र पे है, राहु के पर। पंचमेश राहु या केतु के नक्षत्र पर अगर होता है तो एक बच्चा होता है। अब आपसे कुछ लोग ये पूछेंगे, होने की कंडीशन 2, 5, 11 है, उनमें से कोई आया बच्चा हो रहा है आपको, इतनी तक यहां तक भी इतनी कंडीशन है होने की कि केवल मंगल और केतु आपके अगर सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में नहीं है तो भी बच्चा हो जाता है। मंगल अगर केतु है तो दिक्कत होगी ही होगी जीवन में जरूर। किसी भी कुंडली में आंख बंद करके आप देख लेना, यदि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड, रिलेवेंट हाउस का सब लॉर्ड यदि मंगल और केतु बन गया है तो आपको 100% ऑपरेशन करा के छोड़ेगा। और यदि नेगेटिव नंबर प्रेजेंट है, हो सकता है बड़ा कुछ घटा रहा हो अब तक जीवन में, ठीक। यदि पांचवें भाव का सब लॉर्ड आपका बांझ राशि में बैठा है और नेगेटिव नंबर है तो भी बड़ी प्रॉब्लम है। और फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड वक्री और सब लॉर्ड स्टार वक्री और नेगेटिव नंबर है तो भी बड़ी प्रॉब्लम। तो ये मोटे मोटे 3-4 रूल ही बनते हैं, बस इनकी टांगें फैला दी गई हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। मोटा मोटा आप तुरंत अब याद हो जाएगा, कहीं भी देखोगे मंगल तो आप समझ जाओगे, मंगल केतु देखोगे तो समझ जाओगे, राहु केतु कम से कम एक बच्चा तो दे ही रहा है ना, एक बच्चा आ रहा है केतु में भी, एक बच्चा आ रहा है इसका, है ना, सब लॉर्ड स्टार केतु है। अब देखो यहाँ फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, शनि है, शनि है, सब लॉर्ड स्टार केतु है, तो केतु एक बच्चा तो देगा ही देगा। और अब ये मिला के देख लो केतु क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे अभी 2-11 दे रहा है ये बच्चा होगा, बट 4-12 भी आ रहा है, देखो प्रॉब्लम होगी बच्चा होगा। हम कह रहे हैं सर कि जो डॉक्टर की हेल्प ले ले, शनि तो 5 दे रहा है, मैं यहां पे कहूंगा कि डॉक्टर की हेल्प ले ले, गुरुजी सर शनि तो 5 दे रहा है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी। हां वो तो लेनी पड़ेगी, ये कहना पड़ेगा। अभी अब प्रैक्टिकल में आपको और डिटेल्स के लिए उसके लिए हो जाऊंगे क्लियर कर, 6-8 भी है ना ऊपर सर। अब लेकिन यहां पे शनि में एक 5 भी है, 8वीं राशि का मंगल होता है। हां नहीं ऐसे कुछ नहीं, वक्री ऐसे कुछ नहीं, आपको ये देखना है 8वीं भाव कर रहा, ऐसे ही कौन सा नया रूल बना दिया कि 5 भाव में मंगल है, मंगल या वक्री है, ये ऐसे करेगा ना, ऐसे देखो ना। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, शनि, शनि वक्री नहीं होना चाहिए, नहीं है शनि वक्री, ये था रूल। तुम क्योंकि आप ऐसे तैसे तो बहुत रूल बन जाएंगे। ये भैया यहाँ देखो नीच का चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा नीच का बैठा है, इस पर शनि की दृष्टि आ रही है, ये तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड देखना, सब लॉर्ड इन स्टार देखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सब लोग जानने के इच्छुक रहते हैं, डॉक्टर फीस लेता है इस चीज को बताने की, और आजकल तो बैन है, ठीक है, लड़का या लड़की। इसको टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है, और बहुत जिनको ज्यादा लड़की उन्हीं के ऊपर अप्लाई करें, जिनको 3-4 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, अगर किसको तुम्हें अगर देना ही है तुम्हें बताना ही है उसके बारे में। बट एक कंडीशन इसमें बड़ी स्ट्रांगली है, सच्ची बात यह है, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कितनी हेल्प कर पाएंगे उसकी, मुझे नहीं पता, जो जिसके भाग्य में लिखा है उसको उतने टाइम पर मिलेगा। तुम प्रेगनेंसी में सेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन जब ही कर सकते हो जब पेट में कंसीविंग हो होगी, बिना कंसीविंग के तो ऐसे तुक्का नहीं मार सकते कि तेरे को पहला बच्चा ये हो जाएगा, जा बता सकते हैं, मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं बताने को, हम ये भी बता सकते हैं कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, खुद बता सकते हो। पर मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हारी बात झूठी ना निकले कि तुमसे आया और पूछ पेट में बच्चा है नहीं, बता मुझे क्या होगा, ये क्या मतलब है भैया। जब तेरा ये किस क्वेश्चन का जवाब मैं जब दूंगा, तेरे को लड़का या लड़की, जब तेरे कंसेप्ट होगी, सीधी सी बात ही है, ठीक। और तुम इस केस को सॉल्व भी जब करोगे 3 महीने का बच्चा कंसीव होगा, ठीक। ये मेरी ओपिनियन है, बुक्स ये नहीं कहती, बुक्स ये कहती है तुम तो वो लगाओ सीधा कुंडली देखो, 5th 7 देखो कौन सा बच्चे के बारे में बात कर रहा है, बता दो इसको सीधा। बट मेरी ओपिनियन ये है कि आप जब तक प्रेगनेंसी की कंसीडर के सभी करो कि जब तक वो सामने कंसीव तो बैठा हो कम से कम, ठीक। तो आज अब जो ये टॉपिक है अगला लिख लो, सेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन, और लिख ले
प्रेगनेंसी जिस भाव से संबंधित, अर्थात रिलेवेंट हाउस प्रेगनेंसी, ऐसे लिख देते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, इसमें आर ऑब्लिक एच, रिलेवेंट हाउस पी, रिलेवेंट हाउस, जिस हाउस से संबंधित बच्चा आपको देखना है क्या प्रेगनेंसी का, वो कंसीडर करना है। सर ये आपने लिखा क्या? ये आर ऑब्लिक एच पी, तो R, S लिखते हैं। ये मतलब है, मान लो पांचवें बच्चे की बात है, कौन सा भाव देखना है? तीसरा। दूसरे बच्चे की बात है तो कौन सा? सातवां। तो रिलेवेंट हाउस और जोन से बच्चे की प्रेगनेंसी है, जितने नंबर ऑफ चाइल्ड की प्रेगनेंसी है। ठीक, अब कैसे देखेंगे? रूल रिलेवेंट हाउस की देखेंगे। ठीक है, अब मैंने ले लिया फर्स्ट चाइल्ड की, देख रहा हूं मैं फर्स्ट चाइल्ड के लिए क्या देखेंगे मैडम? फिफ्थ हाउस। पांचवें भाव का सबलॉर्ड, फिफ्थ कस्प सबलॉर्ड, सबलॉर्ड फिफ्थ का सबलॉर्ड जिस राशि में बैठा हो D1 चार्ट के अंदर, अर्थात क्या बात होगी? इस बात का मतलब है पांचवें भाव का सबलॉर्ड देखना है। कौन सी? हमने एक पहले बच्चे की बात कर रहे हैं, तो मेल साइन, मेल राशि कौन कौन सी होती है मैडम? सर ये 1, 3, 5 ऑड होती है। और फीमेल कौन सी हो गई? इवन। नहीं, हाँ और सर, जितनी भी इवन नंबर राशियां हैं वो कितनी हो गई? इवन क्या हो गई? ये फीमेल हो गई। और ऑड क्या हो गई? ये मेल हो गई। तो पांचवें भाव का सबलॉर्ड D1 चार्ट के अंदर जिस राशि में बैठा होता है वो बच्चा, अभी आधी बात लिखवाई, 50% रूल है, वो बच्चा होगा। मैंने बोल दिया ये, अभी 50% रूल बताया गया है पांचवें भाव का। ठीक, अब नोट करके लिख लेना। नोट करके क्या लिखवा रहा हूं देखो, आप ये रूल मुझसे ऐसे भी कह सकते हो कि सर हमारी लेडीज है, हम अपना बच्चा पहले देखना चाहते हैं कि पांचवें भाव का पहला फीमेल मेल होगा, ऐसे भी देखा जा सकता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात है। फीमेल और मेल, आप कैसे कहोगे कि किसकी कुंडली देखकर कहोगे कि इसमें तो आ रहा है लड़का और इसमें आ रही है लड़की, तो क्या कहोगे? ठीक है, अब यहां से ये बड़ा कठिन हो जाता है मामला सॉल्व करना। क्या मतलब उसका लड़का है लड़की नहीं होता? ये मान लीजिए मेल कुंडली तुमने देख ली, उसकी कुंडली से तो लड़का आ रहा है। अच्छा, और दूसरी अपोजिट सेक्स से कुंडली देखी तो उससे लड़की आ रही, तो क्या बताओगे सामने वाले को? कंफ्यूज हो गए। इसलिए ये मैं टॉपिक इसलिए नहीं कहता, बट इससे कवर करो, किससे? उससे कवर नहीं करना, हॉरोस्कोप से कवर नहीं करना। किससे कवर करना है? हॉररी से, प्रश्न कुंडली से। अच्छा, अब प्रश्न कुंडली कब लगानी है? 3 और 4 मंगल, ये है बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। इसमें तो मेल फीमेल गया, एक ही क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन हो गया, और प्रेगनेंसी के टाइम पर लगा, ये बात खत्म हो गई। ठीक, इसलिए नोट करके लिखवाइए। अब देखो, अब रूल बहुत ध्यान से समझना, बेशक यही इतना ही पढ़ाऊंगा, पर कॉपी पेन रख दो, क्योंकि अब तुम मुझे कंफ्यूज कर दोगे थोड़ी देर में, क्योंकि अब ना कुछ पॉइंट टेक्निकल है, उसमें डिग्रियों को नोट करना है। मैं मिटा रहा हूं ये थोड़ा ऊपर से, ठीक है? और अब इसको ऐसे समझो, आपको करना क्या होता है, देखो ये करना होता है फिफ्थ कस्प सबलॉर्ड, ये ग्रह होगा, ग्रह होगा, इसमें तो कोई इक्वट वाली बात नहीं है मैडम, ये ग्रह होगा। ग्रह कितने होते हैं टोटल? 9। कितने कहां से कहां तक बैठेंगे? एक डिग्री के बीच में बैठेंगे ये जाके। अब देखना ध्यान से, यदि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन सा ग्रह है, पहले तो ये नोट करना है, वो कितने डिग्री का बैठा है। यदि वो 0 से 20 डिग्री का बैठा है, 0 से 20 डिग्री का बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिस आरएल में बैठा है, आरएल स्वामी में जिस राशि में बैठा है, वो आरएल स्वामी इवन है या ऑड है,
अर्थात राजी चेक करनी है, वही बच्चा होगा। हाँ मैडम देखो, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड जो प्लेनेट है, यदि वो 0 से 20 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, तो जिस राशि में बैठा है, मेल में बैठा है तो मेल साइन, फीमेल बैठा है तो फीमेल साइन, वो जिस राशि में बैठा है। हाँ ठीक, इवन ऑड वही, मेल और फीमेल। अब यहां से रूल बदल गया, यदि रूल इधर देखो, इधर लिखो, मैं थोड़ी ही बस कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड जो ग्रह है वो यदि 20 से 30 डिग्री के बीच में बैठा है, किससे 20 से 30 डिग्री के बैठा है, जिस आरएल में बैठा है, इवन में बैठा है तो ऑड बच्चा, ऑड में बैठा है तो इवन बच्चा, उल्टा कर दिया मैंने। फर्स्ट रूल का फिर क्या हो गया? फर्स्ट रूल में आपने बोला था कि उसका सब लॉर्ड जिस राशि में बैठा होगा डी वन चार, वो तो मैडम अभी आधा ही तो लिखवाया था, बोला था 50% रूल पढ़ाया अभी, तो ये अगर इसमें और जोड़ना है, ऊपर से अगर बोल रहा है लड़की और यहाँ से बोल रहा है, अरे मैडम वो रूल पूरा नहीं है, मैंने बोला था 50% कराया, ये पूरा हुआ है अब यहाँ आगे, उसके बाद ये लिखा जाएगा। ठीक, अब ये मैडम अब ध्यान रखना, ये मैंने 9 जो ग्रह लिखवाए हैं, 9 ग्रह को लिख नहीं करता काम, ये राहु केतु के लिए रूल अलग है। अब नीचे लिखवाऊंगा सर, अब 20 डिग्री वाला ऊपर आएगा नीचे आएगा, कैसे भी लिख लो मैडम, ये ऊपर वाला ऊपर है, 0 से 20 डिग्री ये रूल है, ये इतना, तो ये मतलब 20 पॉइंट से यहाँ पे आएगा, 20 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री के बीच में, और जो जिस राशि में बैठा उसका अपोजिट बता देना, एग्जैक्ट 20 इसमें आएगा नीचे। अब मैडम देखो ये कोई रूल नहीं है, बार बार मत पूछा करो, ये 19 डिग्री इधर देखो, 19 डिग्री 56 59 सेकंड सॉरी मिनट और 59 सेकंड किसमें कवर होंगे मैडम, इसमें कवर होंगे, इसमें क्या पूछना है, और जैसे 20 आएगा तो अगले में आ गए। देखो मैं दोबारा, इधर देखो सब लोग, हम ये कह रहे हैं, इधर देखो सब लोग, सभी लोग, केवल जिस भी रिलेवेंट हाउस की प्रेगनेंसी देखनी है उसका केवल सब लॉर्ड से मतलब होगा। ये सब लॉर्ड मान लीजिए वीनस है, क्या मान लिया, वीनस बैठा हुआ है तुला राशि में, तुला राशि कौन कै नंबर होती है, ये कैसी होती है, मेल होती है। अब ये वीनस देखना है D1 चार्ट में, जहां डिग्रियां लिखी होती है कि ये बैठा है 15 डिग्री का, तो हम क्या लिखेंगे कि मेल होगा भैया, लड़का होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया है 0 से 20, जिस राशि में बैठा है उस राशि का ही बच्चा, मेल में बैठा है तो मेल, फीमेल में बैठा है तो फीमेल। अब मैं उल्टा कह रहा हूं यही, अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, पांचवें भाव का सब लॉर्ड शुक्र है, ठीक है, तुला राशि में बैठा है, पर बैठा है 25 डिग्री का, तो ये कौन सी राशि होती है, मेल, फीमेल, बताना क्या है, फीमेल। ये अब इधर देखो भाई, अब ये राहु केतु के लिए रूल उल्टा है, बस उल्टा क्या है, अब यही बता देता हूं, जिस रिलेवेंट हाउस की प्रेगनेंसी है वो उस ग्रह को नोट करेंगे, वो ग्रह आ गया आपके सामने कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है ये नोट करेंगे, कितने डिग्री का बैठा हुआ है ये नोट करेंगे। अब आप देखो ध्यान से, एक फिफ्थ राशि का सब देखा, वही सेम रूल है बिल्कुल, राहु केतु के केस में रूल अलग है, अर्थात राहु केतु की बात कर रहे हो तो फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड इन राहु या होगा या केतु होगा, ठीक है, तो राहु केतु मान लीजिए ये राहु है, ठीक है, राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ राहु कौन सी राशि में बैठा, बताओ D1 चार्ट के अंदर 11 नंबर कौन सी होती है, मेल होती है, ठीक है, कितने डिग्री का बैठा है, डिग्री नोट करो, राहु बैठा है गुरुजी का तृतीय भाव 19 डिग्री। अब देखो रूल क्या है, 0 से 10 डिग्री में अगर बैठता है, 0 से 10 डिग्री में बैठता है तो देखना ध्यान से, मैं वर्ड बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, इसमें उल्टा केस है, 0 से 10 डिग्री में जिस राशि में बैठा है ना उससे पहली वाली बतानी है, प्रीवियस, क्योंकि वो राहु केतु केस चलते हैं उल्टे, तो कौन सी राशि बताओगे, दसवीं का बताओगे, सर सीधे यही बोल देते कि उल्टा आंसर देंगे, नहीं हम रूल वाइज चलेंगे, ऐसे कई बार फंस जाते हैं, जब 10-11 नंबर राशि लिखोगे वहां गड़बड़ हो जाएगी, कभी कभी हो जाते, आप ये लिखो सीधे, मैडम देखो ये राहु है, ठीक है, ये कौन सी राशि में बैठा है ये देख लिया, अगर 0 से 10 डिग्री बैठा है तो कौन सी में बैठा है मैडम, ये तो हम 11 में बैठा है, बच्चा कौन सा, कौन सी का बताएंगे, 10 फीमेल बताएंगे, ठीक है मैडम। और यही सेम रूल अगर 10 से 30 डिग्री के बीच में आएगा तो उसी राशि का बताएंगे, सेम राशि का बच्चा, क्लियर हुई बात। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये प्रश्न कुंडली से बताना है, और जिनके घरों में माताएं बहनें प्रेग्नेंट है उनका तुम जाके बता दो, यही निकलेगा।